हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, विशेषकर प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ते हुए हमें 11 पायदान पार कर चुके हैं। आज के व्याख्यान में हम सुनेंगे समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। समाचार पत्र सुनते ही आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक सुसभ्य नागरिक का गहना है या बैड टी है। जिस तरह से बैड टी के बिना कईयों की नींद नहीं खुलती और कईयों के समाचार पत्र आए बिना दिन ठीक से नहीं गुजरता, तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम किस विषय की बात करने जा रहे हैं। इतना लोकप्रिय विषय है, अगर आपके लिए नहीं है तो आप भी इसे अपना हिस्सा बनाइए, और जो बना चुके हैं वो समझेंगे कि समाचार पत्रों की भी स्वतंत्रता होती है। और ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है समाचार पत्रों के अस्तित्व की स्वतंत्रता, यानी उसे अपने आप को बनाए रखने के लिए भी स्वतंत्रता चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जिसमें उसकी स्वयं की पहचान खो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण है कि वो जो समाचार प्रकाशित करना चाहता है उसकी स्वतंत्रता, यानी वो चाहता है वो ना आए तो फिर स्वतंत्रता किस बात की। यानी हम वो चाहते हैं कि जो वास्तव में समाचार है वो हमारे सामने आना ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस समाचार को सुनते हैं वो फ्रॉड, फर्जी, झूठा हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? कुछ भी संभव है। तीसरा है समाचार संकलन की स्वतंत्रता, उसे कौन सा समाचार देना है कौन सा छोड़ना है यह उसकी स्वयं की स्वतंत्रता होगी। समाचार पत्रों का संयम और नियंत्रण, ये भी बेहद जरूरी है। संयम, पत्रों को भी अपना खुद का संयम रखना होगा कि वो कहीं भावना में बह करके किसी समाचार को बड़ा चढ़ा करके दें, ऐसे में उसे भी संयम से काम लेना होता है, अपने आप पर नियंत्रण रखना होता है। जैसे उसका दायित्व बोध, विशेषकर से नागरिकों को हम देख सकते हैं कि जब युद्ध काल होता है तो हर नागरिक को यह हिदायत दी जाती है कि रात में लाइट जला करके ना रखें, खिड़कियां बंद रखें जब ब्लैक आउट होता है, विरोधी को यह पता ना चल जाए कि कहां शहर है, इसलिए घरों की लाइटें बंद रखी जाती है। तो हर नागरिक अपना कर्तव्य समझ करके उसे पूरा करता है। तो समाचार पत्र की स्वतंत्रता पर जब हम विचार करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि अमेरिका में समाचार पत्रों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वो ये राचिस कमीशन के तहत हुआ। राचिस कमीशन ने समाचार पत्रों को निम्न स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, जैसे दिन भर की जो घटनाएं हैं उनको वो पेश कर सके, और जिनको बौद्धिक खुराक की जरूरत है उसे भी वो पूर्ति कर सके, और समाचार सभी वर्ग को समान रूप से उनकी खबरें ले सके,
उनकी खास घटनाओं को सभी तक पहुंचा सके और समाज की खास मान्यताएं क्या है ये सबके सामने आती रहे, वो बखूबी प्रस्तुत कर सके। ये समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के साथ सभी नागरिकों को एक सहूलियत सम्मानजनक स्थिति होती है जब समाचार पत्र अपना कार्य स्वतंत्रता से कर सके। उसमें क्या क्या बाधा आती है और अगर बाधा आती है तो उसे कैसे रोका जाए, इसके लिए प्रेस परिषद की स्थापना की जाती है जो समाचार पत्र की स्वतंत्रता को देखता है। विश्व में इस समय कोई 125 प्रेस परिषदें कार्य कर रही है। आप ये समझ सकते हैं कि प्रेस परिषद क्या करती है। प्रेस परिषद सरकार और प्रेस का चौली दामन का संबंध है, यानी सरकार जो कुछ भी करती है, सरकार का दावा और वादा होता है कि वो जनहित में कार्य करेंगी। उनका मुख्य उद्देश्य जनहित ही होता है और इस जनहित से अगर इधर उधर भी होती है तो प्रेस तुरंत उसे पकड़ती है। इसलिए प्रेस का और सरकार का संबंध चौली दामन का बताया जाता है, यानी ये बेहद नज़दीकी रिश्ता है। सरकार जो कुछ करती है वो प्रेस की निगाह में रहता है। इस तरह से प्रेस सरकार और जनता के बीच का जोड़ने का काम करती है, जिसे कह सकते हैं कि ये पुल का बनना, यानी दोनों को जोड़ने का काम, किसको? सरकार और जनता दोनों को ये जोड़ती है। कौन? प्रेस, समाचार पत्र। इस तरह से हम देखेंगे कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की प्रहरी क्या क्या है, प्रहरी कौन कौन है। तो देश में बना रखे हैं अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन, एडिटर्स गिल्ड और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तथा श्रमजीवी पत्रकार संघ, ये सब समाचार पत्र की स्वतंत्रता के प्रहरी यानी रक्षक है। आप ये समझ रहे होंगे कि प्रेस परिषद है और चार ये जो दिखाई दे रहे हैं ये भी उसके प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, तो उसकी स्वतंत्रता में क्या बाधा आ सकती है। और आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस समाचार को आप पढ़ते हैं वो बहुत ताकतवर है, वो आपको हर दिन समाचार लाता है और आप समझते हैं कि वो बिल्कुल सही है, सत्य है। देखिए, समाचार पत्र स्वतंत्र है, स्वतंत्र रखने के लिए इतनी कुछ व्यवस्था की गई है। उसके पीछे का कारण ये है कि इस पर कई तरह के दबाव पड़ते हैं। दबाव किन किन के? सबसे पहले समाचार पत्र निकालने वाला कोई होता है, यानी उसका मालिक, मालिक संपादक पर दबाव डाल सकता है अपने हित में, उसको सरकार के विरोध में ज़्यादा ना जाए। अगर ज़्यादा जाता है तो सरकार का कोफ भाजन उस पर पड़ सकता है। इसके लिए वह संपादक से अपनी तीखी निगाह को या सरकार विरोधी रुख को कम करने के लिए कह सकता है अपने हित में। तो मालिक का दबाव संपादक पर हो सकता है, समाचार के संपादक पर माफियाओं का दबाव हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर रोज प्रतिदिन किसी न किसी माफिया के खिलाफ समाचार छापता है, प्रकाशित करता है, तो वो उनका विरोध करेंगे। वो क्यों चाहेंगे कि उनके भ्रष्टाचार सबके सामने आए, तो उनका दबाव रहता है। मजदूर संगठन बने हुए होते हैं, मजदूर